हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है हैप्पी ओजला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बालों के लिए माफी, अगर बाल खराब है, 150 की स्पीड पे कन्वर्टिबल पे आओगे तो बाल ऐसे ही हो जाते हैं, तो उसके लिए प्लीज माफ कर देना। अभी हम लोग है यूनिवर्सल स्टूडियोज में, पीछे आपको दिख रहा होगा और उसके पीछे आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सल स्टूडियोज का गेट। मैं इतनी जल्दी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4:15 का शो है, 4:10 ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स थिएटर में है, मेरा वेट कर रहे हैं। बहुत तेज आया हूँ मैं अभी यहाँ तक, और मैंने सोचा अगर मूवी देखने आया ही हूँ तो क्यों ना आपको दिखा दूं कि यहाँ पे थिएटर किस तरीके के होते हैं। और मूवी की अगर मैं बात करूँ, मैं देखने आया हूँ क्रीड 2। क्रीड मूवी जो आई थी उसका सेकंड पार्ट, मुझे रॉकी मूवी की जितनी भी सीरीज थी सारी की सारी पसंद थी, अभी जो क्रीड मूवी आई है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो फटाफट से मूवी थिएटर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मूवी थिएटर किस तरीके का होता है यहाँ पे। तो ये जो आपने टाइम लैप्स देखा, ये था सिटी वॉक यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का। मेरे पीछे यहाँ पे आपको सिनेमा दिख रहा होगा और यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस ट्री और काफ़ी सारी डेकोरेशन की हुई है, वो आपको मूवी के बाद में दिखाऊंगा जब अंधेरा हो जाएगा, उस टाइम पे लाइट्स वगैरह होंगी तो उस टाइम पे और भी अच्छा लगेगा। अभी चलते हैं मूवी के लिए। तो ये है थिएटर, सारे फ्रेंड्स अंदर वेट कर रहे हैं, मैं ही लेट था इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी मैं आया हूँ। एक बार अब अंदर चलता हूँ और स्कैन करता हूँ अपने टिकट को। तो थिएटर के अंदर है अभी, मेरा जो स्क्रीन नंबर है वो है 1019 स्क्रीन है इस वाले थिएटर में, और कुछ ऐसा सा भी अंदर से है। अब चलते हैं मेरे थिएटर में क्योंकि मूवी का टाइम हो गया, सब लोग थिएटर के अंदर है, मैं आप लोग के ब्लॉग के चक्कर में यहाँ पे घूम रहा हूँ। एक बार मूवी खत्म हो जाए उसके बाद आपको दिखाऊंगा अच्छे से। एक चीज़ आप सबको दिखानी है, बट अभी ये कोई ना कोई तो खाली हो, अभी कोई भी खाली नहीं है, सारे के सारे भरे हुए हैं, इस साइड भी इस साइड भी। ये सब कोक वगैरह की मशीन है, तो ये है मशीन, यहाँ से निकलता है कोक। ऊपर आप कोई भी फ्लेवर अपने मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं करता हूँ स्टार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल ड्रिंक, लो कैलरी, जो भी आपको चाहिए। मैं ऑल ड्रिंक्स करता हूँ तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए। अगर मैं कोक पे क्लिक करता हूँ तो कोक के आप देख सकते हो कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे, जिस पे भी आप क्लिक करोगे यहाँ नीचे से आप ले सकते हो, आपको बस ग्लास लगाना है। तो यहाँ पे आगे जाके है 10 नंबर थिएटर जहाँ पे मुझे जाना है, आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो अभी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो 8 to 10, तो मुझे जाना है 10 नंबर स्क्रीन में। ये सारा वेटिंग एरिया है और काफ़ी सारे यहाँ पे लगे हुए हैं क्योंकि ये वाला जो थिएटर है ये सबसे अच्छा थिएटर माना जाता है LA के अंदर। तो ये है मूवी का नाम और 4:15 पे शुरू होनी है, 4:15 हो ही गए हैं, अब चलते हैं अंदर। तो अभी थिएटर के अंदर है हम लोग, आपको शायद मेरी आवाज़ कम सुन रही हो, बट यहाँ पे जितने भी थिएटर हैं सब में रिक्लाइनर मिल जाता है, आप नीचे देख ही सकते हो। ये मेरा रिक्लाइनर है, यहाँ पर है बटन, इसको अगर दबाते हैं तो देख ही रहे हो। तो ये सब है, अब फटाफट से मूवी खत्म करूँ, मूवी के बाद मिलता हूँ आपसे। तो मूवी हो गई है ख़त्म, मूवी बहुत ही कमाल की थी। ये ऐसी मूवी है जिसको देखने के बाद आपका दिल करता है कि मैं अभी के अभी जिम चले जाऊँ, या कुछ भी मोटिवेशनल अगर आपको कुछ देखना है तो आप क्रीड 2 देख सकते हो। पहली मूवी भी बहुत ज़्यादा मस्त थी, ये वाली तो यार बहुत ही फाड़ा, लास्ट वाले मोमेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेंस थे। तो अगर आपने देखनी है एक मूवी इस वीकेंड पे तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा क्रीड 2। पहले नीचे वाले फ्लोर पे थे, अब ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हो 19 यहाँ पे स्क्रीन्स हैं। तो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाता हूँ, ऊपर इन्होंने बार वगैरह भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे मोस्टली जितने भी थिएटर हैं LA के अंदर, मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, LA के अंदर जितने भी थिएटर हैं वहाँ पे आपको एक छोटा सा पब टाइप का मिल जाएगा ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। नीचे आपको मशीन दिखा दी है, ऊपर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी कुछ स्क्रीन है क्योंकि 19 स्क्रीन है, तो बहुत बड़ा थिएटर है ये वाला। और ये है ऊपर की साइड, तो सामने है 19 स्क्रीन बिल्कुल सामने जहाँ पे अंकल खड़े हैं, और यहाँ पे है एक बार टाइप का आपके ड्रिंक्स वगैरह के लिए। तो ये था ऊपर वाला सेक्शन, अब निकल जाते हैं बाहर क्योंकि मूवी हो गई है खत्म, टाइम वेस्ट क्यों करना है सबका। बाहर निकलते हैं और अब तो लाइट्स वगैरह जल गई होंगी क्योंकि रात का टाइम है। तो अब आ गए हैं बाहर, तो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है यहाँ पे व्यू इस टाइम पे, क्रिसमस ट्री। उस टाइम पे जब दोपहर में आपको दिखाया था तब यहाँ पे नहीं था ये, मतलब था लाइट्स नहीं थी यहाँ पे, तो इस टाइम पे आप व्यू देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है, क्या सही व्यू है यार इस टाइम पे। ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे कई बार शोज होते हैं बट बहुत रेयर है। ये गिटार देख सकते हो, हार्ड रॉक कैफे वाला। आगे जाके है यहाँ पे स्काई डाइविंग इंडोर, वो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया, वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और अब चलते हैं आगे, बहुत सही बनाया हुआ है यहाँ पे इस टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे तो वैसे ही बहुत सही लग रहा होता सारा कुछ। एक बार फिर से देख लो, ये है वो सिनेमा जहाँ पे हम गए थे अंदर, AMC सिनेमा, क्रिसमस ट्री। एक यहाँ पे स्टेज है परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए, सामने है इंडोर स्काई डाइव। ये जो यहाँ पे स्क्रीन है इस पे दिखा रहे हैं, आई फ्लाई करके नाम है, आप गूगल कर सकते हो। ये है हार्ड रॉक वालों का गिटार। और अब चलते हैं हम इस साइड और आपको पहली बार दिखाता हूँ किंग कॉन्ग सेंटा क्लॉज की कैप पहने हुए। तो इन्होंने किंग कॉन्ग को, जूम करूँ तो आप देख सकते हो किंग कॉन्ग की खोपड़ी के ऊपर यहाँ पे सेंटा क्लॉज वाली हैट पहना दी है। तो अब यूनिवर्सल से निकलते हैं, मूवी देखने आए थे, मूवी यहाँ पे देख लिया। अगर आपने यूनिवर्सल वाला व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हो, प्रॉपर मैंने व्लॉग बनाया हुआ है।
और इसके अलावा एक और थिएटर है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है, चाइनीज़ थिएटर, उसमें भी मैं गया था। मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी अपनी सिस्टर के साथ, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। दोनों जो वीडियोज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके लिंक, आप किसी भी वीडियो पर जाके देख सकते हो। दोनों में ही आपको हॉलीवुड और यूनिवर्सल का ट्रिप दिख जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से कहीं और। तो अब हम लोग आ गए हैं वॉक ऑफ फेम पे, यहाँ पे आए हैं डिनर के लिए। और जो लोग लास्ट व्लॉग में मेरे से बोल रहे थे कि माइकल जैक्सन का स्टार दिखा दो, तो बस वो दिखाने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग को कर दूंगा ख़त्म, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे अभी अपने फ्रेंड्स के साथ। बस दो मिनट यहाँ पे मैंने निकाले हैं आप सबके लिए, एक बार बस वो जो माइकल जैक्सन का स्टार है वो दिखाता हूँ, उसके बाद व्लॉग को कर दूंगा मैं ख़त्म यहीं पर। और पीछे मेरे आ गई हैं डॉल्बी थिएटर वाली स्टेयर्स, और इस साइड पर है एक और थिएटर, चाइनीज़ थिएटर। लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और यहीं कहीं पे है जो हम ढूंढ रहे हैं, मिकी माउस का तो यहाँ पे मिल गया, अब माइकल जैक्सन का ढूंढते हैं। तो ये रहा माइकल जैक्सन का, जो लोग देखने के लिए बोल रहे थे। तो बस इसी के साथ जो आपको दिखाना था माइकल जैक्सन का यहाँ पे स्टार, वो मैंने आपको दिखा दिया। रौनक यहाँ पे पूरी है इस टाइम पे, आज ट्यूजडे है इसलिए इतने ज़्यादा बंदे नहीं दिख रहे, बट वीकेंड्स के टाइम पे यहाँ पे आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आई होप आपको ये वाली जो व्लॉग है, कुछ ज़्यादा खास था नहीं, मैं मूवी देखने गया था यूनिवर्सल, मैंने सोचा क्यों ना आपको सिनेमा भी दिखा दूं। एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो मेरी वीडियो को, 1 लाख होने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना जल्दी होंगे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।